चर्चा की, जवानी हम देखेंगे, बलिया भी तो ये सोच कर निकला है कि लकीर खींच करके हदें तुम तय कर दो, आने वाली नस्लें उसी लकीर में इमारत की तामीर कर ले। हम तो उस पे चल, वरना मेरी भी सेहत बहुत मस्त होती। 24 घंटे में शायद 3 घंटा किसी दिन सोने को मिल जाता। '1985 में आसाम में 35 मुसलमान एमएलए बनकर आ गए। हुकूमत भाजपा की नहीं थी, गवर्नमेंट आरएसएस की नहीं थी। जिस जनाजे को मुसलमान 42 साल तक कंधे पर ढोया उसकी हुकूमत थी। नाम नहीं लूंगा। जिसको आपने हमदर्द समझा उसकी हुकूमत थी। लोगों ने कहा 35 कैसे जीत गए। मैं तो महागठबंधन जब बना था बिहार में तब भी बगावत किया था, और जरूरत पड़ती है तो बलिया भी अपनी पार्टी से भी बगावत कर लेता, इसलिए कि दान पुण्य के बदौलत बलिया भी नहीं रहेगा। जकात और फितरे की बुनियाद पर जिनकी जिंदगी चलने वाली हो वो जकात की कतार में खड़ा रहेगा। ईमान की भट्टी अगर दिल में सुलग रही है और आग लगी हुई है नतीजे पर, तो मैं इसकी परवाह नहीं करता हवा कितनी मुखालिफत में है, इसलिए कि हवाओं के खिलाफ चलते रहना ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की पहचान है। बद्र का मैदान उसी की तारीख है, ओहद का इतिहास उसी की तारीख है, खैबर का मैदान उसी का नक्शा है, और करबला की मिट्टी उसी का आखिरी रिजल्ट है। उससे हम समझौता नहीं कर सकते। जैसे ही हुआ 35 जीत गए, बेचैनी बढ़ गई। महागठबंधन में भी हमारे बच्चों को टिकट नहीं मिला, पूरा मगध नील। चलो भभुआ से चले आओ, तो बीच में गलती से भाई लिया साहब जीत गए 300 वोट से, जबकि सब एक थे, सब एक थे। तब बड़ी मुश्किल से 300 से जीत पाए। देहरी से भभुआ गए, सासाराम में गए, औरंगाबाद नहीं, गया नहीं, जहानाबाद नहीं, नवादा नहीं, शेखपुरा नहीं, जमुई नहीं, दुमका जो बांका नहीं, भागलपुर 0। क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया लोगों को? लेकिन कौन समझाएगा इस कौम को? दुनिया मानती नहीं है इनसे, फिर भी एक नली और गली के ठेकेदारी के लिए अपनी नस्लों को 5 साल तक के लिए डरा करके सौदा कर देते। इस गिरह को काटने के लिए ही कौमी इत्तेहाद मोर्चा ने और उसके साथियों ने अपने बदन पे कफन नहीं डाला है, अपने सर पे कफन बांध लिया है। जहां तक हम चलेंगे चलेंगे, जहां शाम होगी वहीं से दूसरा काफिला सफर शुरू करेगा। कब हुआ कि आबादी आसाम में बढ़ कैसे गई? तो एक नेता ने कहा कि 60 लाख बांग्लादेशी मुसलमान आ गए। 60 लाख। तो दूसरे ने कहा कुछ ज्यादा बोल दिए हो, कम कर दो। तो दूसरे ने कहा नहीं, 40 लाख। आजकल बिहार में गले में खुजली हुई है लोगों को, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, झारखंड का साव है, साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़, एनआरसी करो,
बलिया भी तेरा 12 दिनों तक आसाम की गांव गांव में घूमा है, भूखा है। मैंने तो अपनी नजरों से वो सिंह भी देखे। और आज से तकरीबन 20 दिन पहले खबर आई कि एक बाप अपने बेटे को नदी में डूब कर मरता हुआ देखना कबूल कर लिया, लेकिन बचाने के लिए पानी में नहीं उतरा। क्यों? बाप का दिल पत्थर हो गया था क्या? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं पानी में बाप डूबा कि उसकी जेब में, उसके बदन में उसकी औलादों की शहरियत का सबूत था। अगर वो पानी में कूद जाता तो उसके पूरे खानदान की शहरियत तबाह हो जाती। 1951 का खतियान लाइए, 1951 में वोटर लिस्ट में नाम था कि नहीं, बोलाइए। जब बिहार में लोगों ने अंग्रेजी बोलना शुरू किया है तो बलिया भी 20 दिन पहले इन लोगों को चुनौती देकर कहा है कि सिर्फ बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, साहेबगंज, राजमहल नहीं, अरे मां दूध पिलाई है तुम्हारी तो पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी करा दो। मैं मानता हूं कि मेरे बाप दादा की अब जमींदारी तो नहीं रही, लेकिन अगर लैंड रिटर्न का पेपर निकलेगा तो कहीं ना कहीं मेरे परदादा का ही खतियान में नाम मिलेगा, तुम्हारा नहीं मिलेगा। और रिकॉर्ड जमा करने के लिए मैंने पटना हाईकोर्ट के वकीलों की बैठक कर लिया, हर जिला से वकीलों की टीम चैनल दे जा रही, और 29 को इसी 29 को इंशाल्लाह फाइनल, ताकि जो 14 पॉइंट हैं हर घर तक पहुंचाया जा सके। ये है एनआरसी और आप मस्त हैं। आ रहा था तो पूछा सड़क इतनी अच्छी क्यों हो गई? क्या नाम है आप? मैंने इनसे कहा कौन विधायक है जी, किस पार्टी का? आप सबकी दुआओं की बरकत है, बलिया भी इसकी परवाह नहीं करता, इंची टेप से नाप के हिसाब मांगने लगता है।